हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे कस्टर्ड मैंगो सेवैयाँ एंड मिक्स फ्रूट फालूदा, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और अभी जो वेदर चल रहा है, इसमें ये बच्चों का फेवरेट होता है। तो चलो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधी कटोरी छोटी ली है मैंने सेवैयाँ की, और मैंने एक बर्तन में डाल दिया इनको। इसमें मैं डालूँगी आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर, एक टेबलस्पून चीनी, और इसमें मैं पानी डाल दूंगी। और इसको तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट हो जाए, पर ओवर कुक नहीं करना कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने इनको गैस पे रख दिया है लो फ्लेम पे। और एक दूसरे बर्तन में मैं आधा लीटर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, इसको गैस पे चढ़ा दिया है। मैं इसका कस्टर्ड बनाऊंगी अभी। अब मैंने आधी कटोरी पानी में कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर रही हूँ, वनीला कस्टर्ड पाउडर है। इसके मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्स ना रह जाए। और इसको मैंने रख दिया है। और अब मैंने एक मैंगो लिया है, उसको उसका छिलका उतार लिया और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही हूँ मैं। अब मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून चीनी और इसको ग्राइंड करने के लिए रख रही हूँ। अब ये जो दूध है इसको बॉयल आने लग गया है। अब मैं इसमें कस्टर्ड जो पेस्ट बनाया मैं इसमें धीरे धीरे डालूंगी और इसको ऐसे स्टर करती रहूंगी ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और नीचे ना लगे। कस्टर्ड डालने के बाद उसको ऐसे स्टर करना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे लग जाता है। दूध कस्टर्ड भी लग सकता है। इसको 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है तो ये गाढ़ा हो जाता है, और स्टर करते रहना है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून डाली है शुगर, और जो ड्राई फ्रूट मैंने रखा हुआ था काट के वो डाल दिया। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। अब देखो ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और देखो इधर सेवैयाँ भी हो गई हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया और इसको छान लिया है पानी को। ये देखो फूल भी गई हैं और ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं किया मैंने इनको। अब ये कस्टर्ड जो मैंने बनाया था ठंडा हो गया और गाढ़ा भी हो गया। इस टाइम पर मैं इसमें सेवैयाँ ऐड कर दूँगी। और जो मैंने मैंगो का पेस्ट बनाया है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि मैंगो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। अब मैं इसमें टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट जो है वो डाल दूंगी। और अब मैंने ये गिलास लिए हैं, इसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाला है। आप जैम भी डाल सकते हो थोड़ा सा मेल्ट करके। अब मैंने टूटी फ्रूटी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाला है। और अब मैंने ये जो कस्टर्ड बनाया है मैंगो मिक्स, ये डाल दिया है ऊपर। इसके ऊपर गार्निश के लिए आप कोई भी फ्रूट लगा सकते हो। मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाली है और बादाम, किशमिश, और मेरे पास ग्रेप्स पड़े थे वो लगाए हैं। आपको जो भी फ्रूट अच्छा लगता है आप लगा सकते हो। और ये हमारा मैंगो कस्टर्ड हो गया है तैयार। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी।
आप ट्राई करना और प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।